अरे ओ अमर भाई, अरे यार सेंटर ये मोबाइल लेकर आ बैठना यार। सेंटर देश ऑल ऑफ यू सेंटर दिस साइड प्लीज। सेंटर लुक सेंटर लुक बोथ ऑफ यू ऑल ऑफ यू सेंटर। कैमरा के ऊपर क्यों देखूं मैं? इधर इधर देखो, इधर दिखा कैमरा के नीचे देख। कैमरा देख लो, मैं थका नहीं। पहले ट्राइपॉड वालों के पास रुकिए देखिए। ओके सर, ओके सर, मैंने सारे कैमरास कवर किए। ठीक है, नहीं मेरा यहां पे नहीं देखा क्या सौरभ आगे बैठ के हाथ उठा रहा है यार। दिखेगा क्या सब आगे रख दोगे? थैंक यू थैंक यू शक्ल छुपी उसमें। वहाँ दो लंबे लड़के बैठे वहाँ। मैंने कहा वहाँ कर दो, ये सुम्बुल छुप रही है केक के पीछे। मैंने कहा साइड कर दो, स्टार्ट कर, एक मिनट स्टार्ट कर। ये लोग बोलते रहेंगे अनमोल। गणपति बाप्पा एन अवार्ड इज अ रिकॉग्निशन ऑफ एन आर्टिस्ट हार्ड वर्क परसिवियरेंस एंड टैलेंट। आई एम एन इंस्टीट्यूशन हु हैज बीन रिकॉग्नाइजिंग देयर टैलेंट एंड हार्ड वर्क फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। व्हाट वुड यू कॉल इट? आई कॉल दैट्स एंड ट्रूली इंटरनेशनल इट इज। It invites 17 countries all around the globe to its amazing events. So here's to the 9th season of International Iconic Awards. And now, let's welcome the man behind this amazing institution, the founder himself, Muhammad Nakbun Latif. And the man, man of the world, who has won for India for the first time and has great contribution to this event, the co-founder himself, Aditya Khurana. Oh. And the handsome hunk of television, Nishad Malik. Sharat, you have said handsome. No. Are they? Two. You are handsome. And the man who has won many hearts of many girls, the heartthrob, यहाँ निशान शरद बिग फीट यार, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होता है। लड़की एक ही है, चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू थैंक यू। केक एंड अनवील द इनविटेशन। तो प्लीज कम एंड टेक योर माइक्स बैक। आ जाओ, इसने बोल रहा था हटाओ इसको। प्लीज रिमूव इट। आई हैव टू पुश ऑन। ले लो ना अपने माइक्स। किसके हैं? चौक हो जाएगा। I think you're trying very hard to be controversial. Aaja, I'm trying not to. फिर से हो रही है, मैं कह रहा हूँ मत करो। भाई रिमूव कर दो ना प्लीज, सबके रिमूव कर। रैंप तो कहाँ पे? इनविटेशन कहाँ पे रखा? अरे यार कौन सा है? चलो, आज
फर्स्ट में है ना सब लोग आ रहे हैं जल्दी ले लेंगे मेरा ले लो मेरा सब ऐसे तो मैं पहले ये निकाल के खा लूंगी ये कर iconic awards for its 9th season where the most iconic personalities like you walk the glamour's red carpet and carry the extraordinary international iconic dream woman home for your fantabulous contribution towards the industry that make yourself and the world proud. Wow. Chahiye padna hai. You are full stop. You are invited to bloom yourself at address bata dun nahi on okay on 8th of June 2023 the stars in the sky will start shining on your arrival from 6 pm onwards so on their arrival matlab wo hamare already stars hain jo chamakne aayenge iconic awards ko aur chamkane ke liye so this invite is specially made by one of the biggest designers of Mumbai, that's Varda Designers, specially for Iconic Awards and for all the celebrities. It took almost 42 days to design this. Fantastic. Worth it. Now, 3 cheers for Iconic Awards. Hip hip! Hooray! 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 Thanks for Sharad. Ye jo kya hai? Ho gaya. Leke ja rahi hai. Photo nahi hai na, dal ke denge. Main chipka lungi. So, thanks for Sharad. बहुत बिजी थे ही टुक आउट हिज शेड्यूल ही केम ऑलमोस्ट कल स्पेशली द नाइट वी हैड अ टॉक देन ऑल ऑफ सडन ही सेड ओके यस आई एम कमिंग सुम्बुल के डैड वाज ऑलमोस्ट लाइक नाइट 2 o'clock आल्सो आई सेड हिम सर जी आप भेजो शी सेड ओके टाइम क्या है एंड ही वाज वेरी हेल्पफुल लाइक मेनी एक्टर्स आर देयर जो एकदम दे डोंट वॉन्ट टू रिप्लाई मच बट सुम्बुल्स फादर रियली एंड शरद रात के 12 बजे इन्होंने मुझे कॉल किया एंड निशान ओवर अ कॉल हाँ मैं सिर्फ टाइम देख के बता दो एंड यस बिकॉज सीजन 1 से ही इज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस फ्रॉम डे 1 एंड टुडे इज 9 years 9 साल से दोस्ती है इंटरनेशनल अवार्ड सो थैंक यू ऑल ऑफ 3 टू मेक माय इवेंट वेरी स्पेशल विदाउट यू 3 देयर वाज नथिंग इट वाज इंपॉसिबल श्योर थैंक यू सो मच लेट्स हैव अ केक 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 खोल के रखते वहां पे वो मिलेगा वो मेरा है उसको तो हां वो दे देंगे वहां पे अच्छा केक काट लिया अभी अच्छा नहीं आप क्या चाहते हो पूरा आरू आ जा अटेंशन आपकी इनविटेशन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार नहीं यहां पे यहां पे ये केक छू के अच्छा ये ठीक है आ जाओ ना हाथ लगाइए छुप छुप सबके
ओके हैप्पी बर्थडे 9 इयर्स कंप्लीशन के कांग्रेचुलेशंस गाइस मैं खा लूं खिला ला दे तुम बोल तब से तुम्हें बहुत टेस्टी है खा के जरूर बताना ठीक है मुझे किसी ने नहीं खिलाया मैंने खा लिया ऐसे मत बोलो दो दो हाथ आए देखो सुबुल एक और बार खाना है मैंने किसी को नहीं खिलाया मैं खा रहा हूं चलो हमारे भाई लोग चुप चुप पड़वा जाओ सत्य में मोस्ट इंपोर्टेंट द मैन बिहाइंड स्पेशली ओवर अ नाइट आल्सो ही डज ये पूरा इन्हीं का कॉन्सेप्ट है सो बोल क्या थोड़ा केक तो खा लेने दो एक मिनट तो जनता की बात कर रहा है जनता चलो हो गया केक जनता राजा सर आप क्या चलो जनता मम्मा जी माइक दे अभी क्या अब पूरा इवेंट आपका है पहले ये फोटोग्राफ के लिए बाहर जा रहे हैं उसके बाद उसको देखा पर्पल वाले हो गया अनमोल ले ले अनमोल इंडिविजुअल ले ले ठीक है तू ले ले तू ले ले तू ले ले निश एक मिनट अच्छा इंडिविजुअल ले चलो कर रहे अनमोल सेंटर में आ जाना बिल्कुल आ जाओ हो गया अच्छा अनमोल ले लिया हो गया ये लास्ट मेरा ही है शरद का थोड़ा सा और तो करें अरे इसमें केक लगा थोड़ा और बिजी है वो थोड़ा और हाँ ठीक है नहीं वो मुझे क्या है इधर से आपके कपड़ों में लगेगा आप वजन थोड़ा शरद आ जाएंगे क्या फिल्म थी 15th नवंबर 2003 सॉरी
नहीं नहीं डेट ऑफ बर्थ 1983 की लगता है क्या बोल रहे हैं मैं वही सोच रहा हूँ 2000 के यार ये है ना ये अगस्त वालों को देते हैं ज्यादा तो आई तो मैंने आज ऐसे ही पहना था ड्रेस को मैचिंग मैचिंग ग्रीन एमरल्ड तो ये पहना था ये क्या है स्टोन रूबी रूबी फॉर सन या तो स्टार्ट कर दो शरद विल जॉइन चले What movie का यो asking समझो क्या हुआ और अच्छी फिल्म आई है ना किसी का भाई किसी की जान सुपर फिल्म लव्ड इट ऐसी बातें करनी अच्छा क्या माइक लगे मैंने स्टार्ट किया था चार एक्टर्स से दुबई में तो चार बॉलीवुड एक्टर्स से मैंने स्टार्ट किया था दुबई में किया था फिर उसके बाद सीजन टू सिंगापुर हुआ उसके बाद बैंगलोर में मैंने किया लेकिन मुंबई में जितना प्यार मिला क्योंकि एक्टर्स को सेट के बाद भी वो सीधा अवार्ड्स में आ सकते हैं व्हेन आई डिड इट इन दुबई इट वाज ओनली हार्डली 4 एक्टर्स बट टुडे प्राउडली आई कैन से आफ्टर माय 5th सीजन आज मेरे अवार्ड्स में 100+ सेलिब्रिटीज आते हैं एंड दिस गिव्स मी मोर प्लेजर दैट कि हर साल मुझे करना चाहिए कंटिन्यू जैसे बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं जाते हैं दे जस्ट वांटेड बट एक ऐसा अवार्ड्स है आई जस्ट वांटेड ऑल द सेलिब्रिटीज टू कम एट वन प्लेटफॉर्म वेयर दे गेट ऑनर एंड आई वांटेड टू डू इट मे बी कम्प्लीटली जितने सीजन हो पाएगा जब तक मैं हूँ एंड को फाउंडर तब तक हमारे ये सीजन जाते रहे देखो जूरी हमारी डे वन से ऐसी रही है आइकॉनिक अवार्ड्स are registered in almost 17 countries. ठीक है तो 17 countries में से we have selected 5 countries. इस बार के setup में जो है हमारा दुबई से आ रहा है चायवित अहमद जो बहुत सारे celebrities के interviews वो कर चुके हैं सो वो है फिर तंजानिया से एक है मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया से एक है वी हैव अवॉर्डेड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया तो वहाँ से भी है प्लस वी हैव फिलीपींस से सो वी हैव सर्टन कंट्रीज अप्रॉक्सीमेट 5-6 कंट्रीज जहाँ के PR टीम्स है जो ये एक्टर्स वहाँ पे भी फेमस है व्हेन इट कम्स इंटरनेशनल तो मैं वो देखता हूँ कि एक एक्टर इंटरनेशनली भी जो फेमस है उनको अवार्ड दे ना सिर्फ इंडियन लेवल में वो टिके रहे ये अवार्ड्स को सारा डिजाइन किस तरह से किया गया है कुछ प्लेज होंगे डांसर्स होंगे या प्लेन अवार्ड होगा किस तरह से नहीं इस बार सीजन 9 में वी हैव लॉट ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव लाइव म्यूजिक कंसर्ट वी हैव 2-3 परफॉर्मेंस बाय वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट वो सरप्राइज रहेगा 2-3 फीमेल आर्टिस्ट है जो ब्लास्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं गुड सेट ऑफ एंकर्स वी हैव इन डिफरेंट सेट ऑफ अवार्ड्स एंड दैट्स इट आपसे सवाल जानना चाहूंगा आपका अनुभव कैसा है और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस अवार्ड से लेकर मुझे सॉरी मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे अवार्ड मिले एक लगा है मेरे पास मैं मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है मैं तो चाहती हूँ मुझे अवार्ड मिले बस इनके कैटेगरी में पूरे बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं ऑलमोस्ट 9 कंटेस्टेंट्स इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं एंड ये कैटेगरी एवरी ईयर मीडिया प्लस ऑल द सेलिब्रिटीज के आके इस कैटेगरी पर रहती है बिकॉज उनकी कैटेगरी है एंटरटेनर ऑफ द ईयर इंटरनेशनल आइकॉनिक फेमस एंटरटेनर ऑफ द ईयर तो उस कैटेगरी में बहुत सारे एंटरटेनर्स भी नॉमिनेट हैं तो लेट्स सी ऑल द बेस्ट देखो मैं तो यहां तक आ गई हूं एंटरटेन करने के लिए देख लो पे थोड़ा ब्राउनी पॉइंट मिलने चाहिए भाई एक्स्ट्रा मिलना चाहिए पॉइंट अवार्ड्स की भरमार है जी सभी को लगभग अवार्ड्स मिल जाते हैं जी तो आपको इसको लेकर कितना गुस्सा है कि आम बात है यार मिल ही जाता है आजकल किसी को पहले अवार्ड लेना मतलब बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी जी बहुत बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं और पहले जो था कि अगर किसी एक्टर को अवार्ड मिलता था तो वो सेलिब्रेशन कुछ दिनों तक चलता था आज जैसा कि आज एक अवार्ड मिलता है कल फिर मिलता है तो वो सेलिब्रेशन शॉर्ट लिव्ड हो थैंक यू लेकिन हैविंग सेड दैट इंटरनेशनल जो आइकॉनिक अवार्ड है अवार्ड्स के बीच में भी आठ सालों तक 8 सीजन्स सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है और आई थिंक जब इन्होंने मुझे पहली बार इस अवार्ड से नवाजा था तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी क्योंकि एक इंटरनेशनल आइकॉनिक का एक जो टैग है वो एक एक्टर को मिलता है अपनी मेहनत के लिए अपने काम के लिए सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि और मेहनत करनी पड़ेगी आगे चल के तो आई थिंक एवरी एक्टर वॉन्ट्स कि वो अप्रिशिएट हो अपने काम के लिए और जैसे आपने कहा आई थिंक अब ऐसा हो गया कि हाँ मतलब अवार्ड बहुत सारे हैं लेकिन कुछ अवार्ड्स हैं जो एक्टर्स के लिए पर्सनली जैसे हम सब के लिए कुछ अवार्ड्स हैं जो बहुत खास हो जाते हैं क्योंकि वो लोग हमारे लिए अच्छे खास हो जाते हैं
जैसे मोहम्मद को मैं इतने सालों से जानता हूँ, तो शायद मैं हर एक अवार्ड में ना जाऊँ, लेकिन एक ऐसा ये अवार्ड है जिसमें शायद मैं आऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनूँ। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो एक्टर टू एक्टर कि अब वो चूज़ करता है कि अब मैं आज ही मैं इस अवार्ड में जाऊँगा, कल इसमें जाऊँगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल लिस्टेक हो जाता है इसमें। बट येस, आजकल अवार्ड्स की भरमार है। कुछ परफॉर्मेंस भी आपने देखने को? नहीं, मैं घर पर परफॉर्म करता हूँ अपने। जी जी, थैंक यू। और क्या श्रद्धा मैडम, नहीं 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 मैं नहीं हूँ। नहीं, सच्ची नहीं हूँ। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं सच्ची नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। तो एक ही बार बोल, कसम खा के बोल लो ना, एक बार ही है ना। कितने बार बोल चुकी हूँ, मान ही नहीं रहे। हर बार सेम चीज बोलते हैं। खड़े के बोलो। मैं इस साल मैं सुमुल तौकीर हां, मैं सुमुल तौकीर खान आज ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस सीजन के सॉरी खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में नहीं। थैंक यू। आई थिंक अभी कंफर्म है ना। मम्मी स्वेयर खा के बोल दो एक बार। नहीं ऐसा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? लेट्स गो। ये सवाल खत्म हो गए। अभी वन ऑन वन के लिए बचा के रखे हैं ना लोगों ने सारे सवाल। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, बाय।